खुल्ला करने चले गए महाराज। सुनिए महाराज बोलो बोलो। की सुनो जगन्नाथ जोड़े दो हाथ के गिराई तारी एक काल रूप माना रे बाग में गवे आई महाराज। अरे एक सुकर ने आकर के हमारी फूल जैसी बगिया को उजाड़ दिया। हम माली लोग उसका पीछा करने के लिए चले, हमला कर दिया, हमारी जंगा को फाड़ दिया, उसे चल करके मार दीजिए। माली समय कौन सा, समय का ख्याल रखो। संध्या का वक्त है महाराज। हाँ, संध्या के वक्त पर अगर कोई दुश्मन भी द्वार पर आ जाए तो उसे भगाना नहीं चाहिए। और मेरी बात सुनो, बची गए तुम्हारे नहीं बाजी पाए। बात सुनो, अरे है संध्या जाता।
जैसे ही सांस को तो बाली चला गया और जैसे ही सुबह हुई महाराज ने सूर्य भगवान को जल दिया। कहाँ जा रहा है? इधर आओ मंत्री। इधर आ। बोले बात सुनो बेटा, ये समय कौन सा मालूम? सुबह। आना कानी का नहीं बल कुर्बानी का है। सुन, जिस किसी के अगर 20 से होकर के 12 निकल गया तो उसी की खैर नहीं है महाराज। कहीं आपके 20 से होकर के निकल गया तो है? छोटा मो बड़ी बात। इधर जल बाग को चारों तरफ से घिरवा लिया। विश्वामित्र सूकर के रूप में सो रहे थे, विचार किया किसी के बीच से होके निकले वो तो महाराज के हाथों से मारा जाएगा। चलो कोई बात नहीं, चलो महाराज की टांगों से निकल गए। हरिचंद की दोनों टांगों से होके बारह सूकर तो आपके बीच से होकर के निकल गया। हाँ निकल तो गया, क्या है? तुम लौट जाओ पीछे। महाराज हम फौज को वापस किए दे रहे, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। बिल्कुल नहीं बेटा, तुम भी लौट जाओ। तुम अकेले बारह को नहीं पकड़ पाओगे। अरे पकड़ लेंगे, मार देंगे। पकड़ लोगे मार नहीं पाओगे। मार देंगे, मार तो नहीं पाएंगे। महाराज मार दिए तो घर ही लेके ना आए। तुम मारते जाइए, हम लाद तो लेंगे। हमें विश्वास ना है, तुम मार दियो। अरे तुम लौट पीछे, हमें घर ही दिखाइयो। आए हाँ जा, 2 किलो हमारे घर ही बैठाइयो। तुम सुअर खाने लगे हैं।